इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड जो हम यूज़ करते हैं इन AutoCAD, स्केल कमांड। इसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे, स्केल होता क्या है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम क्विकली इसका यूज़ देख लें कि AutoCAD में इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब भी हम ड्राइंग की बात करते हैं किसी भी वक्त, तो ड्राइंग विदाउट स्केल जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो यूज़लेस हैं, उसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि स्केल की अगर हम डेफिनेशन पहले देख लें और फिर हम इसकी इम्पॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। स्केल बेसिकली मैं फ़र्ज़ करें हम मिसाल लेते हैं कि हमें एक हाउसिंग स्कीम, एक टाउन, एक यूनिवर्सिटी या किसी भी बड़े एरिया को से हमारे पास 4 कनाल, 6 कनाल, 8 कनाल किसी भी साइज़ का कोई प्लॉट है और उसको हमने मैप पर लेकर आना है, उसको हमने अपनी ड्राइंग पे लेके आना है। तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसके एक्चुअल साइज़ के ऊपर उसको लेकर आ जाएं कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल हमने जो स्टार्ट में जब देखा था मैनुअल ड्राइंग्स, तो उस वक्त लोग बैठकर काम कर रहे होते थे और बहुत एक बड़ी शीटें वो स्प्रेड हुई होती थी। तो उस वक्त एक्चुअली हम मैनुअल ड्राइंग्स पे वर्क करते थे, स्केल का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम जितना फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा साइज़ है उसके ऊपर बैठकर हम उतने ही साइज़ की ड्राइंग्स बना रहे होते थे। लेकिन अब क्या है कि स्केल के आने के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मतलब स्केल ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ड्राइंग्स को। अगर फ़र्ज़ करें हमारी ड्राइंग है जिसकी हमने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, जो चीज़ ड्रा करने जा रहे हैं उसकी हॉरिजेंटल डायमेंशन 1 किलोमीटर की है, से 500 मीटर की है या 1 किलोमीटर, और वर्टिकल डायमेंशन से वो भी 1 किलोमीटर है। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 1 बाई 1 किलोमीटर को मैप के ऊपर लेकर आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि 1 फीट जो हमारे मैप पे है वो रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के 100 मीटर को। यानी हमने कहा है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ अगर 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर है, तो फिर हमारा क्या होगा कि 1 फीट जो मैप के ऊपर लाइन लगेगी वो लाइन ये शो कर रही होगी कि ग्राउंड के ऊपर ये 100 मीटर की है। इट मींस हमारी वर्टिकल 10 फीट की लाइन जो है वो ईजिली हमारी टोटल कवरेज कर लेगी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को। इसी तरह अगर हम वर्टिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही केस होगा। फ़र्ज़ करें हमारी वर्टिकल डायमेंशन भी अगर 1 किलोमीटर ही है, यानी हमारी जो चीज़ हम ड्रा करने जा रहे हैं वो वर्टिकली भी उसका 1 किलोमीटर बनता है, तो वहाँ पे भी हम कह देंगे कि यहाँ पे जो स्केल है वो 1 फीट, फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी अगर हम कह देते हैं कि 100 मीटर है, तो वो हमारी वर्टिकल लाइन जो है वो भी 10 मीटर हमारी वो 10 फीट की लग जाएगी। तो इस तरह हमारी फैसिलिटेशन के लिए हमारी ड्राइंग को ईज़ कर देता है स्केल। अब अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्केल एक्चुअली एक रेशो है बिटवीन, किसके दरमियान रेशो है, डिस्टेंस ऑन मैप ओवर एक्चुअल डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, के मैप के ऊपर हमारा डिस्टेंस जो है वो हमने क्या रख रखा है और हमारा एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कितना है। अब फ़र्ज़ करें हमने कहा कि मैप के ऊपर है जी, हम कह रहे हैं 1 फॉर एग्ज़ाम्पल फीट और स्लैश डिवाइडेड बाय ग्राउंड है जो है वो है हमारा 100 मीटर, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हमारी ड्राइंग, यानी कोई भी ड्राइंग हम स्केल के बगैर बना ही नहीं सकते। स्केल का जो है उसके अंदर हम यूज़ देखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ और इस स्केल को हम AutoCAD के अंदर इस्तेमाल करके भी देखते हैं कि किस तरह हम इसको अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन है और इस टॉपिक का टाइटल भी हमने इसका जो है वो फाइल सेव कर ली है, स्केल कमांड इन AutoCAड। सो स्केल कमांड को हमारे पास एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। अगेन सेम, एक तो हम इसको जाके मॉडिफाई में से पिक कर सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है, और एक हमारे पास जो है वो हम सिंपल अगर SC एंटर करें तो ये एक शॉर्ट की भी जो है हमारे पास मौजूद है। तो शॉर्ट कीज़ हमें काफ़ी असिस्ट करेंगी, आगे जाके हमारे काम को और आसान बना देंगी जैसे जैसे हम शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करते जाएंगे। सो अगर हम SC एंटर करें या हम स्केल को जाकर पिक करते हैं फ्रॉम मॉडिफाई, तो जैसे हम SC एंटर करते हैं तो पहला मैसेज हमें आ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कमांड को हम एंटर कर दें या एस्केप का बटन, और हम कोई लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास, तो ये लाइन है से, और इसको हम कोई भी लेंथ दे देते हैं, से 100 फीट जो है इसको हमने लेंथ दे दी। ये हमारे पास एक 100 फीट की जो है वो एक लाइन ड्रा हो चुकी है। इसको हम क्विकली एक बार डी एल आई जो है ये लीनियर डायमेंशन लीनियर की शॉर्ट की है, जिसको हम डायमेंशंस में से भी जाके पिक कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम इस शॉर्ट की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। DLI एंटर, तो ये हमारी लीनियर क्योंकि लाइन है तो हमने कहा डायमेंशन लीनियर। सो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 100 फीट की लाइन ड्रा हो चुकी है। अगर आपको जब ये आप मेजर कर रहे होंगे कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप डायमेंशन स्टाइल में से जाके टेक्स्ट हाइट और वहाँ से फैक्टर्स को जब चेंज करेंगे तो आपके पास। सो अब हमारे पास ये लाइन जो है वो लग चुकी है। अब हम इस पे स्केल की कमांड को अप्लाई करते हैं, SC एंटर करेंगे हम। जैसे ही हम एंटर करते हैं वही मैसेज जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है, उस वक्त हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, अब हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। सेम वो हमसे बेस पॉइंट डिमांड कर रहा है, जिस तरह हमने मूव कमांड में देखा, हमने कॉपी कमांड में देखा, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट को बेस बनाकर आप स्केल को अप्लाई करना चाह रहे हैं, से आप ये वाला पॉइंट कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे वो स्केल फैक्टर पूछ रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है समझना स्केल फैक्टर को। स्केल फैक्टर मींस ऑलरेडी जो अप्लाइड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्केल फैक्टर सेट है वो होता है 1 इंच। अब हम अगर फ़र्ज़ करें हमें लगता है कि ये लाइन बड़ी है और हमने इसको रिड्यूस करना है, अब 1 इंच हमारा स्टैंडर्ड है और हमने फ़र्ज़ करें इसको अगर कम करना है तो हम 1 इंच से कम करते जाएंगे वैल्यूज़, से हम 0.8, 0.7, 0.6 की बात कर लेते हैं। और अगर हमने इस लाइन को बढ़ाना है, जितने टाइम बढ़ाना है तो हम अपना फैक्टर उतने टाइम बढ़ाते जाएंगे। ये हमने 100 की लगाई है, अगर हमने इसको 400 का करना है तो हम स्केल सिंपली 4 फैक्टर कर देंगे तो वो 400 की हो जाएगी। तो ये स्केल फैक्टर मींस 1 हमारा बेस है, बेंचमार्क है, इसको हमने बेंच बनाते हुए अगर बढ़ानी है या कम करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं। इसको हम ऑपरेट कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास लाइन है, मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और सपोज़ मैं अभी इस लाइन को स्केल फैक्टर देता हूँ और स्केल फैक्टर हम इसको दे देते हैं 3। और अब आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ इंच का सिंबल ना भी लिखें तो कैड इसको इंच कंसीडर करेगा। तो जब भी आपने अगर कोई यूनिट, अगर आपके यूनिट्स सेट हैं इंचेस के अंदर और आपने कोई डायमेंशन लिखी, आपने उसका यूनिट नहीं दिया, तो वो कैड उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंच कंसीडर करता है। सो हम इसे एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे हम दोबारा Z एंटर A एंटर करके ये हमारे पास हमारी लाइन है। सो अब हम इसे मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसने हमारी जो डायमेंशन है उसको 3 टाइम किया है या नहीं किया, क्योंकि हमने 3 का फैक्टर यहाँ पे अप्लाई किया था। अगर आप नोट करें तो स्क्रीन के ऊपर 300 जो है वो इस टाइम हो चुका है। तो ये हमारे पास स्केल फैक्टर का जो है वो यूज़ है, हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब हम एक और लाइन लगा लेते हैं, हमने इसको 3 टाइम किया था तो ये 300 हो गया है। ये हमारे पास एक और लाइन है और इसको भी हम 100 फीट की लाइन लगा लेते हैं और ये हमारे पास 100 फीट की लाइन है। अब अगेन हम स्केल एंटर SC हम एंटर कर लेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे एंटर करते हैं और ये हम बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास स्केल फैक्टर, हम इसको 0.5 करके देखते हैं कि क्या ये हाफ हो जाती है या नहीं। सो 0.5 एंटर और अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। हम DLI डायमेंशन लीनियर, क्योंकि ये लीनियर हमारी एक लाइन है स्ट्रेट, सो ये 50 हो चुका है। तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर स्केल को वेरिएट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई चीज़ और ये सिर्फ लाइन में नहीं होगा, इस कमांड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, से हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसको हमने बढ़ाना है या कम करना है, हम उसको भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हाउसिंग स्कीम्स अगर आप बना रहे हैं, लेआउट प्लान्स जो हम शहरों में देखते हैं, और वहाँ पे हमने जो बाउंड्री होती है बाज़ औक़ात उसे बढ़ाना होता है, बाज़ औक़ात उसको शॉर्टन करना होता है, तो हम ईज़िली जो है वो वेरिएट कर सकते हैं उस बाउंड्री के दरमियान भी। तो अब हमारे पास, हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम रेफरेंस स्केल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसको हम आगे जब खसरा प्लान का हमारा एक लेक्चर आना है वहाँ पे भी क्विकली हम देख लेंगे दोबारा। फ़र्ज़ करें ये एक रेक्टेंगल है और मैंने इस रेक्टेंगल को जो है ड्रा कर लिया है, लाइक दिस वन, ये एक रेक्टेंगल ड्रा है। अभी मुझे इसकी डायमेंशंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सी साइड कितने फीट की है, और हम इसको मेजर कर लेते हैं एक साइड DLI और से ये जो हमारी है इस साइड को मैं मेजर करता हूँ। ये मेरी 725 फीट और 5 इंचज़ है। अब हम यहाँ पे रेफरेंस स्केल की बात करेंगे। रेफरेंस स्केल कहाँ इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ करें आप कोई भी ड्राइंग, आप कोई भी एक डिजिटल इमेज आपके पास मौजूद था, कोई स्कैंड इमेज मौजूद थी, कोई स्कैंड प्लान मौजूद है और वो प्लान आप लेकर आए हैं ऑटोकैड के अंदर और आपने देखा कि एक लाइन लगी हुई है जिस लाइन की लेंथ जो है वो उस पिक्चर के ऊपर लिखी हुई है, ये 100 फीट की है और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो ये वाली लाइन है और ये लाइन जिस पे मैंने अभी मेजर किया है। फ़र्ज़ करें एक पिक्चर मेरे पास आई हुई है और इमेज में लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ जो है वो है, इसकी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो 100 फीट है, लेकिन जब मैंने मेजर किया है तो ये 725 फीट और 5 इंचेस आ रही है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो प्लान मेरे पास आया है इसकी लेंथ जितनी लिखी हुई है वो एग्जैक्ट वही हो जाए जो मेरे पास उस पिक्चर के ऊपर है, लेकिन अभी करंटली जो है वो मेरे पास वो 7 टाइम्स से भी ज़्यादा इनलार्ज आ रही है, यानी एक्चुअल लेंथ जो पिक्चर में या प्लान में शो हो रही है जो यहाँ नज़र आ रही है वो 100 है और यहाँ पे 725 है। अब हम यहाँ पे रेफरेंस स्केल यूज़ करते हुए वो लेंथ जो है उसको उतना ही बना देंगे जितना के उस पिक्चर के ऊपर या उस मेरे जो मैप आया हुआ है उसके ऊपर है। सो हम स्केल की कमांड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे से। अब आप जौन सी, अगर आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप इस लाइन को कर लें, इस ऑब्जेक्ट को करना है तो इस ऑब्जेक्ट को। सो हम अगर इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमने एक्स एंटर करके, अब हमारे पास ये लाइन है, इसकी अभी जो लेंथ मेरे पास आ रही है वो 725 फीट 5 इंचेस है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो सपोज 100 फीट है, मैं उसको 100 करना चाह रहा हूँ। सो SC एंटर, मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब इसके साथ ही वो मुझसे सेम बेस पॉइंट। अब यहाँ पे फ़र्क है, पहले हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्केल फैक्टर दिया था, अब हम स्केल फैक्टर नहीं देंगे और हम यहाँ पे रेफरेंस में आ जाएंगे। या हम R एंटर कर दें वो भी रेफरेंस पिक कर लेगा, या हम यहाँ पे रेफरेंस, क्योंकि अब हम रेफरेंस लेंथ पिक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी लेंथ मौजूद है और हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। सो मैं जैसे ही रेफरेंस लेंथ का बटन प्रेस करता हूँ, अब वो मुझसे दो लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है स्केल स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, यानी वो लेंथ स्पेसिफाई करें जो आप मेजर कर चुके हैं। सो मैं कहता हूँ कि मैंने जो लेंथ मेजर की है वो है 725 फीट और 5, ये मैंने अपनी कमांड लाइन में लिख के एंटर किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नई लेंथ आप कितना देना चाह रहे हैं। अब मुझे पता है कि ये 100 फीट इसकी लेंथ की लाइन की लेंथ है, सो मैं इसको 100 फीट दे देता हूँ और इसको हम कर देते हैं एंटर। और अब अगर आप देखें, अगर हम इस लाइन को मेजर करें तो अब ये लाइन जो है ये DLI एंटर, और अगर हम इस लाइन को मेजर करें तो ये एग्जैक्टली 100 फीट की हो चुकी है। तो इस तरह जो है हम रेफरेंस लेंथ को अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी पहले हमने खुद से लेंथ मालूम की जो कि 725 फीट और कुछ इंचेस बनी। फिर हमने कहा कि नहीं, इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो कुछ और है। हमने सिंपली जो प्रोसीजर अप्लाई किया, स्केल की ही कमांड अप्लाई की और स्केल फैक्टर देने की बजाय हमने रेफरेंस किया, जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी उसको हमने इस्तेमाल किया। मैं क्विकली जस्ट एक गो के अंदर, ये सपोज हमारे पास अगेन एक लाइन है और DLI इसको हम सबसे पहले मेजर करेंगे। जब भी हमने रेफरेंस स्केल यूज़ करना है सबसे पहले हम अपने मैप में से किसी एक लाइन को मेजर करेंगे और हम देखते हैं ये 399 फीट 7 इंचेस और हम यहाँ पे SC एंटर, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका बेस पॉइंट यहाँ से पिक किया और यहाँ पे हमने फैक्टर की बजाय रेफरेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सबसे पहले वो लेंथ देनी है जो हमने खुद मेजर की है, जो इसमें 399 फीट और 7 इंचेस है। इसको एंटर करेंगे हम, इसके साथ वो हमसे न्यू लेंथ पूछ रहा है, से 50 फीट है, सो हम इसे एंटर करते हैं तो ये आप नोट करें खुद ब खुद वो 50 फीट हो गए। तो इस तरह आप स्केल की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं और स्केल के साथ आप रेफरेंस के ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने स्केल कमांड का जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखने के बाद इस्तेमाल किया है और हमने देखा कि किस तरह एक सिंगल लाइन को जब हम स्केल और उसका फैक्टर यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं तो वो क्विकली इनलार्ज हो जाती है। यही स्केल फैक्टर हम जाकर डायमेंशन स्टाइल में आप जब जाएंगे तो वहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। अब यूनिट्स आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं और हमने देखा कि फिर हमने साथ उसका रेफरेंस स्केल भी इस्तेमाल किया कि अगर हमारे पास कोई हम किसी लाइन की लेंथ को बदलना चाह रहे हैं और हमारे पास जो मैप की लेंथ है वो कुछ और है और हमारे पास एक्चुअल लेंथ कुछ और है, तो किस तरह हम रेफरेंस का ऑप्शन इस्तेमाल करके उस स्केल को रेफरेंस स्केल बना सकते हैं। आई होप कि इस कमांड के बाद जब हम इसको आगे जाके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें काफ़ी असिस्ट करेगी।